तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांधो, नहीं बांधो मत, कुर्सी उठा के सीधा फेंको, क्योंकि आ गया है सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म का ट्रेलर, यानी कि योद्धा का ट्रेलर आ गया है। एंड मैंने ऐसा सुना है कि इसका ट्रेलर लॉन्च मिड एयर फ्लाइट के अंदर बैठ के किया है। सही है, ट्रेलर शुरू होता है स्टाइलिश अंदाज में, प्रॉपर एक्शन ड्रामा स्कोर के साथ, एंड फिल्म का प्लॉट हमें नजर आता है वही अपना हाईजेक वाला। बट सबसे पहले सलाम है उसको जिसने इसका एक्शन कोरियोग्राफ किया है, क्या ही लेवल पे किया, और ये साबित करता है कि भाई साहब फिल्म के अंदर कुछ भी डिसअपॉइंट करे या ना करे, मगर एक्शन दिल जीतने वाला है। तो योद्धा के ट्रेलर को अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जब जब वर्दी में आएगा थिएटर में गर्दी हो जाएगा। इट्स अ सुपर हिट ट्रेलर, मतलब नॉन स्टॉप एक्शन के साथ साथ जो थ्रिल का माहौल थिएटर में एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है वो पैसा वसूल रहेगा। और एक और चीज मैं डंकी की चोट पे कहूंगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इतना मस्के जैसा एक्शन करता है ना, मेरे को उसकी वो जेंटलमैन फिल्म की याद आ गई यार, वो लगता है यार परफेक्ट एक्शन हीरो। अब देखो ट्रेलर अच्छा खासा चल ही रहा था कि वो एंड में एक्शन शॉट जो देखने मिल गया वहां पर ट्रेलर खास हो जाता है। भाई वो शॉट देख के ऐसा लग रहा था कि ये अपना वाला शॉट है, डेफिनेटली एज ऑफ द सीट का माहौल तो रहेगा, वहीं ट्रेलर से ओवर पेट्रियोटिज्म तो मुझे नजर नहीं आया, तो वो भी एक अच्छी बात लगी। बाकी दिल किडनी लिवर सबका हाईजैक हो जाता है जब ट्रेलर में नजर आते राशि खन्ना एंड दिशा पटानी। यार सच बता रहा हूं ये दोनों के लिए तो मैं भी एक्शन हीरो बन जाऊं फुल राजपाल यादव स्टाइल, लेकिन राशि खन्ना का ट्रेलर में आवाज सुन के ऐसा लगता है कि भाई उनको सुनते ही रहे। बाकी क्यूटनेस का तो उनका कोई जवाब नहीं, सेम मेरी तरह क्यूट है, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वो कहां चांद के टुकड़े जैसा, मैं जले हुए लकड़े जैसा, तो सॉरी। वही ट्रेलर में रोनित रॉय भी नजर आते जिनको देख के बहुत अच्छा लगता है। बाकी ट्रेलर में डायलॉग बाजी भी हैवी सुनने मिलती है, तो अब तक तो सही लग रहा था। बस यही है कि ऐसे काइंड ऑफ फिल्मों में अगर ज्यादा ही ऐसा डायलॉग बाजी हो जाए तो फिल्म कहीं ना कहीं नकली लग जाती है। तो योद्धा का टीजर ट्रेलर और जो गाना आया था तीनों अपने जगह पे सही काम करता हुआ नजर आ गया है। बाकी धर्मा तो है ही है, वो अपने लेवल पे ऐसा मार्केटिंग करती है कि ऑडियंस कैसे भी करके थिएटर आ ही जाते। शेरशाह देखने के बाद ये तमन्ना आ गई थी कि काश इस फिल्म को मैं थिएटर में एक्सपीरियंस किया होता था, बट वही तमन्ना को पूरा करने का काम देख लेना योद्धा कर देगी। सो ओवरऑल योद्धा का ट्रेलर ये प्रॉमिस करता है कि एक अच्छा खासा एक्शन पैक थ्रिल का माहौल थिएटर में एक्सपीरियंस करने आप लोग को मिलेगा। बाकी देखो कुछ खराब तो नहीं लग रहा ट्रेलर में, तो चलो अब इंतजार करते हैं फिल्म का। एंड आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।